हेलो स्टूडेंट्स, यार आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है। देखे जी, 2021 का सवाल है और ये एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। इसमें क्या थोड़ा सा हटके है, बाकी है कुछ नहीं ज्यादा रॉकेट साइंस। देखते हैं क्या कह रहा है। बिंदु 1, -2, 3 की एक रेखा जिसके अनुपात 2, -3, -, दिक अनुपात क्या है 2, -3, -6 है, के समांतर समतल एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 से दूरी है। समतल से लंबवत दूरी पूछता तो अपन डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है इस रेखा के समांतर जिसके दिक अनुपात क्या है 2, -3, -6, ऐसा कुछ पूछ रहा है ये। मान लो ये मेरे पास एक समतल है, ये मेरे पास एक समतल है, ये मेरे पास एक बिंदु है। भाई इस बिंदु की इससे लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी ये। अब मान लो ये रेखा जिसके दो दिक अनुपात क्या है 2, -3, -6 है, तो इसके समांतर दूरी जब मैं नापूंगा तो वो ये आएगी, मतलब अपने को ये वाली दूरी मांगती है। मान लो ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक दे रखे 1, -2, 3 और ये बिंदु Q है, तो मेरे को PQ चाहिए। भाई क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना अपन ऐसे करें, इस रेखा के समांतर है ये वाली रेखा, तो इसके दिक अनुपात वही रहेंगे, जो इस रेखा के दिक अनुपात होंगे वो भी इस रेखा के भी दिक अनुपात होंगे, और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। इसके समांतर और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो जाए x -1/2, y -2, y+2/3 और z -3/-6। ये मेरे पास इस रेखा का समीकरण आ जाएगा, बराबर लैम्डा भी लिख लेते हैं काम का है। ये बिंदु P से गुजरने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। तो इस रेखा पर कोई भी अपन एक जनरल बिंदु मान लेते हैं, सामान्य बिंदु मान लेते हैं, लैम्डा के पदों में क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 2λ+1, वाई बराबर आ जाएगा 3λ-2 और जेड बराबर आ जाएगा -6λ+3। ये देखो इसको बराबर करेंगे x -1/2 को लैम्डा से, तो 2 उधर जाएगा, 2λ+1 हो जाएगा, वाई बराबर 3λ-2 और जेड बराबर -6λ+3। मान लो ये वाला बिंदु, ये जो मेरे पास बिंदु आया ये Q के निर्देशांक है, तो Q के निर्देशांक है, ठीक है। पर अब अपने पास एक चीज और है, एक चीज क्या है बेटा, कि ये वाला जो मेरे पास बिंदु है ये इस समतल पर भी स्थित है, तो इस समतल के समीकरण में रख के लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं भाई। समतल की समीकरण क्या है, x -y+z = 5, एक्स कितना है 2λ+1, -y कितना है 3λ-2, +z कितना है -6λ+3 बराबर 5। तो जाएगा 2λ -3λ-6λ, 2 में से 3 और 6, 9 गए तो -7λ, ये कितना हो जाएगा 1+2+3, 1 और 2 3 और 3 6, 7λ=1, तो λ=1/7। ये लैम्डा का मान आ गया, लैम्डा का मान आने से मेरे पास इसमें रखूंगा तो मेरे पास Q के निर्देशांक आ जाएंगे और P और Q के बीच की दूरी निकाल लूंगा, तो PQ निकाल लेते हैं यहां पे। PQ बराबर वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का वर्ग होता है, y2 - y1 का वर्ग होता है, z2 - z1 का वर्ग। इसमें से इसको घटाएंगे, लैम्डा का मान अपने बाद में रखेंगे, 2λ+1 - 1, तो ये हो जाएगा 2λ² 4λ² फिर अपन इसमें से इसको घटाएंगे, 3λ-2 और -2, तो ये हो जाएगा 9λ² 3λ² और फिर अपने पास हो जाएगा -6λ+3 - 3, ये हो जाएगा 36λ² कितना हो गया भाई, PQ बराबर 9 और 4 13 और 36 49, तो ये हो जाएगा 7λ। लैम्डा का मान रख देते हैं भाई, तो 7 × 1/7 एक उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है ब्रो। तो इस तरह का सवाल, देखो दो कंसेप्ट हैं जो थोड़े से अलग हैं त्रिविमीय ज्यामिति में, एक समतल से एक रेखा के समांतर एक बिंदु की दूरी निकालना और दूसरा क्या है, एक रेखा से एक समतल के समांतर दूरी निकालना, वो भी अपन करवाएंगे किसी दिन। अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। कुछ नहीं करना, इस बिंदु से गुजरने वाली इसके समांतर रेखा निकालेंगे, उस पर एक बिंदु मानेंगे अपन लैम्डा के पदों में, उसको समतल के समीकरण संतुष्ट करा के लैम्डा का मान निकालेंगे, वहां से क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दें। जय माता दी, क्लियर है साहब। चलो यार मिलते हैं अपन जल्दी, है ना, बाय बाय, टाटा।